subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, coming to the question number 3. What is meant by tertiary structure of a protein? Tertiary structure kya hota hai? Tertiary structure mein single polypeptide chain hoti hai. Polypeptide chain ki backbone hoti hai. Aur one or more protein secondary structure bhi hote hain. Pehli primary structure ki ek backbone hogi aur secondary structure of proteins ya secondary proteins bhi present hongi. जो कि एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं बाय नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स. नॉन कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी एंड सेकेंडरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे. इसकी वजह से क्या होगा? इनके बीच में बॉन्डिंग होगी. या फिर दूसरी आप मान लो ये है कि ये सेकेंडरी प्रोटीन है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रही है. इन बॉन्ड्स की वजह से जो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कॉइल कर जाएंगी, वो फोल्डिंग शुरू कर देंगी. ये एक सिंपल थी, यहाँ पे बॉन्डिंग हुई इसकी वजह से कॉइलिंग हो गई. सो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अंडरगो कॉइलिंग एंड फोल्डिंग और बनाते हैं 3D और tertiary structure of a protein. These coils and folds are arranged together in such a way that non-polar amino acids जो होते हैं वो अंदर की side होते हैं और बाहर की side exposed होते हैं polar amino acids. Coiling हो जाएगी जब इनकी, तो exposed side होगी polar amino acids की and hidden या फिर अंदर वाली side होगी non पोलर अमाइनो एसिड्स. सो ऐसे बनता है टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर.